चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, वीडियो नंबर 2 है आज हमारा, या बोल सकते हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का। आई होप सो पहला वाला वीडियो आपने देखा होगा जहाँ पर हमने फीचर, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और जो नेचर है हमने अच्छे से डिस्कस करा था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और इसके साथ एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर साइंस, आर्ट और प्रोफेशन आता है। सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 आज हम, पार्ट बी आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे 5 बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अगर हमें फीचर अच्छे से या कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, राइट? बहुत ही ईजी है समझना। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। हो रहा है क्लियर? मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है ग्रुप का जो गोल है वो अचीव करने में। हमने फीचर में एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि मैनेजमेंट ग्रुप में काम देने में ज़्यादा फोकस करता है। तो मैनेजर या मैनेजमेंट का मेन मकसद यही है कि जो ग्रुप को टास्क दे रखे हैं, ग्रुप को जो गोल दे रखे हैं वो सक्सेसफुली अचीव हो, इसकी देखरेख करता है एक मैनेजर। मेक श्योर करता है कि ग्रुप को सही मोटिवेशन मिले, सही रिवॉर्ड मिले, अवार्ड मिले, जिसके थ्रू ग्रुप अपना 100% दे के उस गोल को अचीव करे जो कि एक मैनेजर ने सेट करा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यस और नो? चलिए सेकेंड फीचर देखते हैं, मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी 2 लेवल पे हो सकती है, एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के इन टोटल काम करने की क्षमता प्लस वर्कर की एफिशिएंसी। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज होती है, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पाता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता है, ज़्यादा ग्रोथ कर पाती है कंपनी, प्लस वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज होती है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज होगी तो वर्कर्स मोटिवेट रहेंगे और अपना 100% देंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? याद रखिएगा, हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, दैट सिंपली मीन्स अच्छे मैनेजमेंट से होगा क्या, ग्रुप के गोल अचीव होंगे, सेकंड क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ऑर्गेनाइजेशन की भी और वर्कर्स की भी। रिलेट कर पा रहे हैं बच्चे लोगों? थर्ड पॉइंट देखिए, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन, राइट? मैनेजमेंट क्या करता है, अगर अच्छी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हो रही, एक मैनेजर बहुत ही एफिशिएंट है, तो वो क्या करेगा, एक डायनेमिक कल्चर ब्रिंग करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, एक डायनेमिक कल्चर लेके आएगा जिसके थ्रू सब अडेप्टेबल हो जाएंगे। अडेप्टेबल इन द सेंस है कोई रेजिस्ट नहीं करेंगे चेंजेस से, सब एक्सेप्ट करेंगे। सबके दिमाग में एक मैनेजर क्या डालेगा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम अपने प्रोडक्ट में, अपने स्टाइल ऑफ वर्क में अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो बेटरमेंट के लिए है, राइट? तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज से यहाँ पर मतलब है कि एक अच्छा मैनेजर एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जो कि क्या करेगी, खुद को मॉडिफाई करेगी टाइम टू टाइम, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी तब्दीली आ रही है उसके अकॉर्डिंग खुद को भी डायनेमिक तरीके से कंटिन्यूअस बेसिस पे चेंजेस करती रहेगी बेटरमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हमने, याद है आपको, फर्स्ट हमने लेसन में ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, वहां पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या था याद आ गया? पर्सनल ऑब्जेक्टिव था वर्कर से रिलेटेड, जो एक्चुअल में लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं, जो एक्चुअल में काम करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज होगी तो मैंने समझाया था आपको, वर्कर्स मोटिवेट होंगे, वर्कर्स मन लगा के काम करेंगे, एम्प्लॉयज सेटिस्फाई रहेंगे, राइट? अपना 100% देंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंप्लेन नहीं करेंगे, राइट? अच्छे फीडबैक देंगे, अच्छे सजेशन देंगे। तो पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव हैं वर्कर के, वो अपने आप ही फुलफिल हो जाएंगे अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक अच्छा जो भी मैनेजर होगा या एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इफेक्टिवली मैनेज हो रही होगी, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में अच्छी वैल्यूज स्प्रेड करेगी। पढ़ा था हमने, याद है आपको, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ऑफ मैनेजमेंट, वहां पर हमने पॉइंट्स पढ़े थे कि एक सोसाइटी की कैसे हेल्प कर सकता है एक मैनेजमेंट, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करा के, रीजनेबल गुड्स प्रोवाइड करा के, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करके, चैरिटी डोनेशन वगैरह करके, तो एक अच्छी वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी को भी अपने साथ साथ डेवलप करती रहेगी। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये सिंपल से 5 इंपॉर्टेंस थे जो कि आज हमने डिस्कस करे हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी एंड द सीबीएसई सिलेबस, राइट। चलिए आगे देखते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है आप बच्चों लोगों को, और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो या इंस्टाग्राम में डीएम करके पूछते हैं कि सर नेचर ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आया, प्लीज आप वीडियो बनाइए जिसके थ्रू आप अपनी लैंग्वेज पे सरल भाषा में हमें समझा पाए। देखिए इस टॉपिक को बहुत ही ईजी है, इस टॉपिक को पढ़ना कैसे समझ लीजिए, राइट। देखिए 3 चीजें हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। 3 चीज़ें, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। इस टॉपिक में ऑथर ने समझा क्या रखा है या सिलेबस में मेन चीज़ क्या है समझने वाली, देखिए हम क्या करेंगे, जिसे मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ेंगे, फिर आर्ट पढ़ेंगे, फिर प्रोफेशन पढ़ेंगे। साइंस में पढ़ना क्या, देखिए साइंस में हम साइंस के फीचर पढ़ेंगे, साइंस के फीचर को मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस है या नहीं है, मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस है या नहीं है। अगर सारे फीचर मैनेजमेंट के और साइंस के सिमिलर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, नहीं तो नहीं है। पूरा बच्चों क्लियर? सेम हम आर्ट के साथ करेंगे, आर्ट्स के फीचर पढ़ेंगे और उन फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर से मैच करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट के फीचर और आर्ट्स के फीचर मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो हम आर्ट्स को या साइंस मैनेजमेंट को आर्ट्स हम बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। प्रोफेशन के साथ भी यही करेंगे, प्रोफेशन के फीचर पढ़ेंगे और प्रोफेशन को मैच करेंगे मैनेजमेंट से और देखेंगे क्या हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? जब सारे प्रोफेशन के फीचर और मैनेजमेंट के फीचर मैच आएंगे। बहुत ज्यादा हौच पौच तो नहीं हो रहा ना? पूरा बच्चों क्लियर? देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, राइट। देखिए मैनेजमेंट एज अ साइंस में सबसे पहले साइंस की मीनिंग देख लेते हैं। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट एंड इवेंट। साइंस का एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक, राइट। मतलब अगर आपको साइंस की स्टडी करनी है तो लिटरेचर अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, स्ट्रीम अवेलेबल है, होता है ना, टेंथ के बाद आप साइंस लेते हो, फिर बीएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, आगे जाके साइंस की पढ़ाई करते हैं। तो एक सिस्टमैटिक वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग में बेस्ड है। एक साइंटिस्ट क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है लैब में और उसके बेसिस पर रिजल्ट देता है या कोई प्रिंसिपल वो बनाता है या अडॉप्ट करता है, राइट। तो साइंस क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट और इवेंट के बेसिस पर अराइज हुई है। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए देखिए अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने ये नोट्स बना रखे हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप इन नोट्स को फॉलो करते हैं। देखिए फीचर ऑफ साइंस में देखते हैं, पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब हमें क्या करना है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को समझाना है और ये कंक्लूड करना है कि क्या ये फीचर मैनेजमेंट के फीचर से मैच कर रहा है या नहीं, राइट। देखिए दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी, दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। कैसे, देखिए साइंस के लिए एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर एक बच्चा टेंथ में है तो वो साइंस की स्टडी करने के लिए बुक्स वगैरह अवेलेबल है, बिल्कुल है, कोई स्ट्रीम अवेलेबल है, बिल्कुल है, वो ना 3 ऑप्शन है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। आप साइंस ले सकते हैं साइंस के ज़्यादा स्टडी करने के लिए। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। एक टेंथ के बाद कॉमर्स लेगा, कॉमर्स के बाद बिजनेस स्टडीज जो आप पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हैं आप, राइट। तो मैनेजमेंट सेम जो मैनेजमेंट की बुक्स अवेलेबल हैं वैसे ही साइंस की अवेलेबल है, और जैसे साइंस के लिटरेचर या स्ट्रीम अवेलेबल है वैसे ही मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए भी बुक्स वगैरह और स्ट्रीम वगैरह पॉसिबल है या अवेलेबल है। 12th के बाद आप बीबीए और एमबीए कर सकते हैं मैनेजमेंट की नॉलेज के लिए, राइट। तो ये फीचर जो है पहला वो प्रेजेंट है दोनों में। सेकेंड देखते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। अब ये जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो एक साइंटिस्ट क्या करता है, लेबोरेटरी में टेस्ट करता है और जब तक उसको सही फैक्ट और फाइंडिंग नहीं मिलते उस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट नहीं करता या उसकी वैलिडिटी को प्रूफ नहीं करता, राइट। तभी एक प्रिंसिपल प्रिंसिपल माना जाता है जब वो साइंटिफिकली प्रूवन हो। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब ये फीचर प्रेजेंट है या नहीं, दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि ये साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो लेबोरेटरी में करे जाते हैं, केमिकल्स के साथ करे जाते हैं, राइट, अलग अलग चीज़ें इक्विपमेंट्स के साथ करे जाते हैं। वहीं मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल होते हैं वो लोगों पे एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, लोगों के नेचर, टेस्ट और प्रेफरेंसेस, उनके
बिहेवियर पे करे जाते हैं, तो वहां पर एक साइंटिफिकली प्रूवन करना उन चीजों को क्योंकि इम्पॉसिबल है, राइट, क्योंकि हर इंडिविजुअल का बिहेवियर डिफरेंट होता है, हर सिचुएशन में वो अलग बिहेव करते हैं, तो ये जो फीचर है वो दोनों में डिफर करता है, साइंस में ये है और मैनेजमेंट में फीचर नहीं है। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए थर्ड देखते हैं, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट में बेस्ड होते हैं, बार बार उनको एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जब तक वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ना हो। और अगर मैनेजमेंट की बात करें तो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, एक जो मैनेजर है वो अनलेस एंड अनटिल गोल अचीव नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, हर वो चीज़ करता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, राइट। तो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट भी करता है और एक मैनेजर भी करता है। मैनेजर बस ये बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू करता है, बल्कि एक साइंटिस्ट कहाँ करता है, एक लेबोरेटरी में करता है। लेकिन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट जो है एक मैनेजर को भी करने पड़ते हैं और एक साइंटिस्ट को भी करने पड़ते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो पहला फीचर जो हमने पढ़ा था वो मैच कर रहा था, सेकेंड फीचर मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा था, थर्ड फीचर मैनेजमेंट के साथ मैच कर रहा है, राइट। फोर्थ फीचर देखते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। द फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। क्यों नहीं है? देखिए, जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली वैलिड है। लॉ ऑफ ग्रेविटी का एग्जांपल लीजिए, कोई भी चीज़ आप ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे आएगी, चाहे वो इंडिया में उछालें या ऑस्ट्रेलिया में उछालें। हो रहा है बच्चों क्लियर? अगर वो इंग्लैंड में, यूएस में, कहीं भी जाके कोई भी चीज़ आप थ्रो करेंगे ऊपर तो वो नीचे आएगी ही आएगी। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल हैं क्या? यूनिवर्सल हैं, लेकिन उनको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यूज़ में लेना पड़ेगा। एज इट इज़ आप यूज़ में नहीं ले सकते। आप जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में मैनेज कर रहे हैं, सेम तरीके से यूएस में, इंग्लैंड में मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये इस वजह से द फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट इसलिए कहा गया है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो यहां पर देखा हमने कि दो फीचर राइट, पहला वाला क्या हो रहा था, पहला वाला मैच कर रहा था, दूसरा वाला मैच नहीं कर रहा था, तीसरा वाला मैच कर रहा था, चौथा वाला मैच नहीं कर रहा था। तो दो फीचर मैच कर रहे हैं, दो फीचर मैच नहीं कर रहे, तो हम मैनेजमेंट को क्या पूरी तरीके से साइंस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर चारों के चार फीचर मैच करते तब हम मैनेजमेंट को साइंस बोल सकते थे। इस वजह से हम मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे? सोशल साइंस बोलेंगे या इन एग्जैक्ट साइंस बोलेंगे, ये हम कंक्लूजन में हमें समझाना पड़ेगा। हाँ, तक क्लियर हो रहा है? कोई कन्फ्यूजन? देखिए, इतना इजी है ये टॉपिक को जानना। चार फीचर पढ़े और चारों को हमने कंपेयर करके देखा कि भाई दो फीचर मैच कर रहे हैं और दो फीचर मैच नहीं कर रहे। कंक्लूजन में हमने लिख दिया कि मैनेजमेंट क्या है? फुल प्रूफ साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है या फिर सोशल साइंस है। यस और नो? चलिए, आर्ट के साथ सेम हम चीज़ करेंगे। आर्ट की मीनिंग पढ़ेंगे पहले। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आर्ट क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब आर्ट्स पढ़ने के लिए भी एक सिस्टमेटिक लिटरेचर अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, स्ट्रीम अवेलेबल है, जिसके थ्रू एक जो पर्सन है जो आर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहता है वो बना सकता है। यस और नो? तो आर्ट्स भी क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस से और भी ज़्यादा इम्प्रूव आता रहता है उस आर्टिस्ट में जो कि आर्ट फील्ड में जाना चाहता है। फीचर्स की बात करें, सेम वही चीज़ करेंगे। फीचर पढ़ेंगे आर्ट के, उसको कंपेयर करेंगे हम मैनेजमेंट से। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज सेम रहेगा, आर्ट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और मैनेजमेंट में भी है। तो ये दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एक आर्टिस्ट अपने खुद के दिमाग लगा के, खुद की स्किल और क्रिएटिविटी से अपनी आर्टिस्ट में या आर्ट फील्ड में आगे बढ़ता रहता है। मैनेजमेंट में भी सेम ऐसा ही है। एक मैनेजर खुद की स्किल, नॉलेज से, अपने एक्सपेरिमेंट कर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर चीज़ें करता है और आगे लाइफ में बढ़ता रहता है और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है धीरे धीरे, राइट। तो ये फीचर भी आर्ट का प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी सेम है। देखिए, एक आर्टिस्ट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिव होना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है आर्टिस्ट को और क्रिएटिव होना ज़रूरी है। वैसे ही एक मैनेजर को भी प्रैक्टिस करना और क्रिएटिव होना ज़रूरी है अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है। तो थर्ड फीचर भी हमारा प्रेजेंट है आर्ट का मैनेजमेंट में, राइट। अभी तक तीन पढ़े हैं और तीनों के तीनों हमारे मैच कर रहे हैं, राइट। तो इसमें आर्ट्स में बेसिकली तीन ही फीचर हैं और तीनों के तीनों जो आर्ट्स में कॉमन है वही चीज़ मैनेजमेंट में भी कॉमन है। इस वजह से अगर आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। मतलब
कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड आर्ट बोल सकते हैं, जहां पर मैनेजमेंट क्या है, एक तरह की आर्ट है जिसके थ्रू एक मैनेजर काम करवाता है किससे, वर्कर्स से। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए अब देख लेते हैं हम प्रोफेशन। प्रोफेशन में सेम चीजें करेंगे। प्रोफेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन। टीचर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, तो ये होता है प्रोफेशन। हो रहा है बच्चों क्लियर? प्रोफेशन कैन बी डिफाइन एज एन ऑक्यूपेशन, कोई भी काम या कोई भी धंधा, बैक्ड बाय स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग। एक प्रोफेशन में क्या होता है, एक काम है, कोई भी नौकरी है, राइट, कोई भी बिजनेस हो सकता है जो आपने करा है, वहां पर स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS होना चाहिए, लॉयर बनने के लिए LLB करा हुआ होना चाहिए, आपको टीचर बनने के लिए UGC नेट या आपको BEd करा हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या हैं, प्रोफेशन के लिए जरूरी हैं। पूरा बच्चों क्लियर? अब फीचर्स की बात कर लें। देखिए फीचर में पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या प्रोफेशन में एंटर करने के लिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? बिल्कुल है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वगैरह बनने के लिए बुक्स वगैरह, एंट्रेंस टेस्ट है, बिल्कुल है। लॉयर के लिए है, बिल्कुल है। टीचिंग के लिए है, बिल्कुल है। मैनेजमेंट के लिए है, बिल्कुल है। तो ये फीचर दोनों में मैच करता है। यहाँ तक क्लियर? चलिए सेकेंड फीचर देखिए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। जो भी क्लास 10th में सोचता है मैं डॉक्टर बनूं, क्या वो डॉक्टर बन जाता है? रियलिटी बताइए, नहीं बनता ना। 100 में से एक लोग कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या फिर एक सक्सेसफुल टीचर बनता है, लॉयर बनता है, सब नहीं बनते, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। आपको एक कॉम्पिटिशन एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसमें अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तभी आप जाके वो बन पाएंगे जो आपने सोचा है। क्या बिजनेस में ऐसा है, इतना सीवियर कॉम्पिटिशन है? नहीं है ना। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड कैपिटल है, रिक्वायर्ड नॉलेज है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। थर्ड फीचर की बात करें, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना किसी भी प्रोफेशन में जरूरी है। जैसे कि एक डॉक्टर्स को ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है, एक लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना जरूरी है, एक टीचर को भी टीचिंग एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है। तो हर एक प्रोफेशन में आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन का मेंबर होना जरूरी है। मैनेजमेंट में ऐसा है क्या? नहीं है, अभी तक नहीं है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन IMA है, लेकिन अब वो कंपलसरी नहीं है कि आपको उसका रजिस्टर्ड मेंबर होना जरूरी है। आने वाले टाइम में हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी तक ये फीचर इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम इस फीचर को भी कैंसिल करते हैं। ये अभी तक मैनेजमेंट में अलाउ नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड्स है क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा है। जैसे एक लॉयर को एक सर्टेन कोड पहनकर ही अपनी दलील करनी पड़ेगी या केस लड़ना पड़ेगा। एक मेडिकल प्रोफेशन को सर्जरी, एक सर्जन को सर्जरी के लिए सर्टेन अटायर या ड्रेस पहननी पड़ती है। एक टीचर को एक सर्टेन ड्रेस कोड होता है जो उसको वेयर करना पड़ता है। तो एक बिजनेस में कुछ ऐसा है क्या, एथिकल कोड्स हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। फिर देखते हैं सर्विस मोटिव। एक प्रोफेशन का मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड कराना। एक डॉक्टर क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है अपने पेशेंट्स को, एक टीचर टीचिंग करके सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, एक डॉक्टर भी अपने मेडिकल प्रोफेशन में क्या दवाई देकर या मरीज को देखकर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वकील दूसरे का केस लड़ रहा है तो वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो प्रोफेशन में सर्विस मोटिव मेन होता है। बिजनेस में क्या सर्विस मोटिव मेन मोटिव होता है? नहीं। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग होता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, राइट। कंक्लूजन क्या होगा? मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। अभी तक प्रोफेशन नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्द मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। दैट्स इट। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। अगर जल्दी से मैं सम अप करूं तो साइंस के फीचर में दो फीचर मैच कर रहे थे, दो फीचर मैच नहीं कर रहे थे। इस वजह से हम साइंस को या मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं बोल सकते, इसलिए मैनेजमेंट को हम इन एग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस बोलते हैं। आर्ट्स के फीचर देखे और मैनेजमेंट के फीचर से हमने कंपेयर करा और देखा कि जितने भी आर्ट्स के फीचर हैं सारे मैच कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट के पूरे फीचर मैच करते हैं आर्ट्स के साथ। और प्रोफेशन को देखा, प्रोफेशन के एक दो फीचर मैच करे और एक दो फीचर मैच नहीं करे, तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट अभी तक प्रोफेशन नहीं बना है, लेकिन आने वाले टाइम में वो बन सकता है, राइट। आई होप सो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपको क्लियर होंगे। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप ऐसे ही नोट्स के थ्रू या इन ही नोट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि जल्दी से मैं आप बच्चों के लिए ये नोट्स तैयार कर सकूं। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच।